बिहार की जनता एक ही गठबंधन में एक पार्टी को 74 जिताती है और दूसरे को 43 सीट देती है, यही बताता है कि बिहार की जनता के सामने नीतीश कुमार पूर्णतः अप्रासंगिक। मुख्यमंत्री के हाथ में कमान नहीं हो, कमान रिमोट से कोई दूसरा आदमी चला रहा हो तो अफसर क्यों उसकी बात। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है। मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर लोकसभा में खुद गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। आज इसके औचक निरीक्षण में खुद बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जसवाल का आना यहां हुआ है। लगातार शासन प्रशासन की यहां मौजूदगी है और आप देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से स्टेज को सजाया जा रहा है, यानी स्टेज अभी बन रहा है और बनने में जो भी मजदूरों को लगाया गया है वो बड़ी ही तटस्थता से अपने कामों को कर रहे हैं। यहाँ पीछे भी आप देख सकते हैं कि पंडाल को अभी लगाया जा रहा है, मिट्टी की भराई यहाँ आप देख सकते हैं कि हो रही है। और इस बीच औचक निरीक्षण में खुद बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जसवाल का आना हुआ है, पीछे अभी बैठे हैं और तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक यहाँ जो है वो सभा होने वाली है, आम सभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह जी। और खुद औचक निरीक्षण में बड़े बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री का भी आना अभी यहाँ संभव हो पाएगा। पीछे आप देख सकते हैं संजय जसवाल यहाँ बैठे हैं, औचक निरीक्षण में पहुँचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का जो ये बैठक यहाँ होने वाली है उसमें किसी भी तरह की त्रुटि ना हो, किसी भी तरह की समस्या ना हो, इस समस्या को पूर्व में ही समाधान कर दिया जाए, इसको लेकर औचक निरीक्षण में बड़े बड़े मंत्री, सांसद, विधायक, जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ लगे हुए हैं। हमने संजय जसवाल से बातचीत किया है, इंडिया गठबंधन मांझी जी, और इसके अतिरिक्त खुद शिक्षा मंत्री को लेकर के भी अपनी अभिव्यक्ति को उन्होंने रखा है, काफ़ी करारा हमला किया है। देखिए इस वीडियो में वह क्या कुछ कह रहे हैं। सर, औचक निरीक्षण में अभी आए हैं, कितना हद तक लग रहा है कि कितनी हद तक तैयारी हो गई? तैयारी हमारी बहुत अच्छी होती है, ये लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, जब ज़रूरत हो तो तुरंत तैयार हो जाता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पानी के कारण थोड़ी सी दिक्कत थी, वो भी अभी सब कुछ ठीक हो गया है। काफ़ी डाउन टाउन में है, ये है उसको, उस पर फिर भराई हो रही है। बारिश में इस तरह की जगहों पे होता है, पानी होता ही है जी। अब बारिश होगी नहीं तो सब क्लियर हो जाएगा, सब हम लोगों ने जो भी है वो लोगों ने ठीक कर दिया है। इतनी बड़ी संख्या आने जा रही है कि वो अपने आप में एक इतिहास बनाएगा। लग रहा है कि गृह मंत्री को लोग जो हैं वो काफ़ी भाव भंगिमा से लोग स्वागत करेंगे। मिथिलावासी पहली बार आ रहे हैं झंझारपुर। मिथिलावासी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हमेशा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि मैथिली भाषा को अष्टम सूची में लाने का कार्य केवल और केवल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब भाजपा की सरकार बनी तब बना था। गृह मंत्री जी का व्यक्तित्व ऐसा है और उनका कृतित्व ऐसा है, उसके कारण पूरा देश उनको सुनना और देखना चाहता है। झंझारपुर में मैं कल पूरे दिन घुमा हूँ, जो उत्साह दिखाई दे रहा है वही बताता है कि रैली अभूतपूर्व होगी। सर, G20 की जिस तरीके से बैठक हुई उसके बाद नीतीश कुमार की जो है और मोदी जी की जो है वो फोटो वायरल हो रही है, उस पर मांझी जी का कहना है कि पासा कभी भी पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पलट सकता है, ये साधारण शिष्टाचार था और भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी चक्कर में नहीं पड़ने वाली है। हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार 2025 में बनाएंगे और भाजपा का मुख्यमंत्री 2025 में होगा। के लिए बैकआउट पूरा बीजेपी, वो जहां है, हम लोग तो पिछले बार भी वो एक लायबिलिटी के रूप में थे, तब तो बिहार की जनता एक ही गठबंधन में एक पार्टी को 74 जिताती है और दूसरे को 43 सीट देती है, यही बताता है कि बिहार की जनता के सामने नीतीश कुमार पूर्णतः अप्रासंगिक है। एक तरफ सर उदय निधि और उसके बाद सर एक ही सवाल सर उदय निधि और उसके बाद अब जो शिक्षा मंत्री हैं उनका कहना है कि मंत्री भी हजरत पैगंबर मोहम्मद को कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं। जो भी किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, अगर उनकी पुरुषोत्तम राम से तुलना की जाती है तो ये तो हम भी वही कहते हैं कि हम तो आज भी हर व्यक्ति को चाहते हैं कि बेटा हो तो राम जैसा हो, तो अगर उनसे किसी की भी दुनिया में तुलना होती है तो ये तो अच्छी बात है। हजरत पैगंबर मोहम्मद पे उन्होंने कहा, जिनसे भी वो तुलना करें, किसी से भी तुलना करें, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूरे विश्व के समक्ष उदाहरण है और कोई भी तुलना होगी तो उन्हीं से होगी। इनके पाठक और सर इनके बीच में फिर से ठन गए, नीतीश कुमार बैठक बुलाए और फिर वो बैठक को छोड़ करके चले गए। बीपीएससी के
देखिए, जब मुख्यमंत्री के हाथ में कमान नहीं हो, कमान रिमोट से कोई दूसरा आदमी चला रहा हो, तो अफसर क्यों उसकी बात। तो देखा आप लोगों ने जिस तरीके से औचक निरीक्षण में पहुंचे संजय जायसवाल, जो उन्होंने तमाम बातों को स्पष्ट ढंग से रखते हुए कहा कि ऐतिहासिक भीड़ होगी, के पाठक को लेकर के भी उन्होंने अपनी बातों को रखा है और शिक्षा मंत्री पे भी उन्होंने जोरदार हमला किया है। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।